टप्पेबाजी करने वाली दो महिलाओं और एक पुरुष सहित कुल तीन अभियुक्तगण इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। टप्पेबाजों के कब्जे से टप्पेबाजी कर अर्जित किए गए कुल 50,000 रुपये, एक नकली झुमकी, एक नकली चेन बरामद की गई। टप्पेबाज सुनार की दुकानों पर जाकर नकली जेवर गिरवी रखकर ठगी करते थे। एसएसपी संजय कुमार के निर्देशन में इकदिल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भीमसेन पौनिया, एसआई करणवीर सिंह, आरक्षक अजय सिंह, नितिन कुमार, पूजा शर्मा, सोनिया तिवारी ने चेकिंग के दौरान मानिकपुर मोड़ के पास से टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार। दिल जनपद इटावा में एक दो महिलाओं समेत एक पुरुष पकड़ा गया है, जिसमें किसनी और करहल मैनपुरी के निवासी हैं और यहाँ आकर के वो सोने की चेन जो है, जो कि साबित हो गया, जैसे सुनार ने जैसा कि साबित किया कि ये उनको गिरवी रखे हुए थे और ये असली नहीं थे, नकली जेवरात थे, उनके बदले में उन्होंने पैसा ले लिया। और बाद में जब कंप्लेन हुई इसकी, सुनार द्वारा कंप्लेन की गई, तो उसी आधार पर जब वेरिफिकेशन किया गया, पूछताछ की गई, तो इसमें से तीन लोग पकड़े गए हैं, जो फुटेज के आधार पर तथा और जो हमारा पुलिस का सिस्टम होता है उसके आधार पर ये मुखबिरी और टिप ऑफ के आधार पर पकड़े गए हैं। तीन लोग पकड़े गए, इसमें एक पुरुष है जो कि ट्रक ड्राइवर है करहल का, और किसनी उसकी एक पत्नी, पति पत्नी दोनों हैं, साथ ही साथ उसकी एक दोस्त है। तो दो महिलाएं एक पुरुष इसमें गिरफ्तार किए गए हैं तथा इन पर 318 VNS का अभियोग दर्ज किया गया है। रिकवरी में 50,000 रुपये और वो चेन तथा झुमकी इत्यादि बरामद की गई हैं, जिसको सोनार के हिसाब से ये पाया गया है कि ये वास्तविक सोने के नहीं हैं तथा ये लोग फ्रॉड करके जो है पैसा कमाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई करते हुए थाना एक दिन इंस्पेक्टर द्वारा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।